लगता है बारिश होने वाली है। नीना आ दो इधर, वरना दोनों भीग जाएंगे। चलो That's it. You're okay. हाय अगस्त, मुझे मुझे स्विमिंग बिल्कुल पसंद नहीं है, फिर भी मैं सीख रही हूं क्योंकि रुद्र चाहते हैं कि मैं सीखूं। आई एम सॉरी रुद्र, मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बहुत डर। नीना आप फिर शुरू हो गए। रुद्र वो साइकेट्रिस्ट कह रहे थे कि वीडियो रिकॉर्डिंग से। नहीं ना, नहीं रुद्र, वो कह रहे थे कि इससे मेरे, उसे कुछ नहीं पता है, इज अ डफर। आपको जरूरत है इन दवाइयों की जो आपको लेनी है सुबह। खोलो नीना, ओपन योर माउथ। मुंह खोलो, मुंह खोलो नीना। जानती हो तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तुम यहां से अभी दवाइयां तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनाए। रात का प्रोग्राम पक्का है ना ताश का? नहीं यार, मैं तो नहीं आ रहा हूँ। अरे वाह, जब तक जीत रहा था तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब पैसे देने का वक्त आया तो मैं नहीं आ रहा। वाह, 500 रुपए लेने हैं तुझसे। अपना हिसाब किताब बराबर, फालतू का टेंशन नहीं चाहिए मुझे। वैसे भी ये पत्ते खेलते खेलते किसी दिन रुद्र सर को पता चल गया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे डरता क्यों है, हम लोग है ना, और वैसे भी हम लोग लेट नाइट खेलने वाले। उस वक्त रुद्र सर या तो नीना मैम के पास होंगे या फिर, समझ रहे हैं ना? वैसे भी उनके आने का टाइम हो गया, मैं चलता हूँ। अरे सुन तो सही। लेकिन सर रात में काम खत्म होने के बाद अगर आप पत्ते खेलते हैं तो इसमें हर्जी क्या है? ड्यूटी के बाद का टाइम तो हमारा अपना है ना। चंदन, यही नाम है ना तुम्हारा? देखो बेटा चंदन, तुम यहाँ पे नए आए, तुम्हें मालूम नहीं है यहाँ बहुत बड़ा सर्कस है। सर्कस? हाँ सर्कस। अब चल मैं तुझे डिटेल में समझाता हूँ, आजा। देख ये है बादशाह, मतलब रुद्र प्रताप, इस क्लब का मालिक और नीना मैम का हस्बैंड। है बेगम यानी कि नीना मैम, इस क्लब की असली मालकिन और रुद्र प्रताप की वाइफ। और ये है तुरुप का इक्का यानी कि नीना मैम के करोड़पति फादर। अब बेचारे वो तो रहे नहीं, तो ये क्लब किसका हुआ? बता बता बता। जिसकी नीना मैम, समझा? लेकिन सर यहाँ सब लोग रुद्र प्रताप सर से इतना डरते क्यों हैं? अरे भैया वो इसलिए डरते हैं कि वो दिमाग से पैदल है, समझा? वो कभी भी कुछ भी कर सकता है। रुद्र, गुड मॉर्निंग रुद्र। आई मीन सर। गुड मॉर्निंग मिस फर्नांडिस। मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी, वो कल रात जो तुम। मिस सबरीना, आपको याद होना चाहिए कि ये मेरा क्लब है, आपका घर या वो होटल रूम नहीं जहां हम मिला करते हैं।
ये बातें यहाँ नहीं होनी चाहिए। आपके क्लाइंट्स आपका जिम में इंतजार कर रहे होंगे, उन्हें वेट मत करवाइएगा। प्लीज डोंट बी लेट। हैव अ गुड डे मिस फर्नांडिस। पहले मिलिट्री पे था, शांत स्वभाव का है, पर दिखने में एकदम खतरनाक आदमी है। अब मेरी बात को समझ गया? दिमाग में रखना ये। सॉरी सर। आई एम सॉरी सर, ये नया है सर, मैं समझा दूंगा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? सब वो मैं सब मेरा रजिस्टर रह गया था। प्लीज गेट आउट ऑफ माई ऑफिस राइट नाउ। तुम यहाँ क्यों आई हो सबरीना? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है सबरीना। शायद तुम भूल गई हो कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद की। नीना, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं की। तुमसे पहले और बहुत थी और मेरे बाद भी बहुत हो। मैं तुम्हारी दोस्त हूँ। दोस्त? दोस्त नहीं, दुश्मन हो तुम मेरी। दुश्मन का दुश्मन भी तो दोस्त होता है ना। तुम्हारा असली दुश्मन तो रुद्र है। क्या मतलब? रुद्र? कब तक ये सब बर्दाश्त करेंगे नीना? हमारे पास और रास्ता ही क्या है? ये सब पुराने जमाने की बातें हैं। अगर तुम अपने बारे में नहीं सोच सकती तो अपने बच्चे के बारे में तो सोचो। अगर रुद्र ने उसके साथ भी कुछ ऐसा करा तो? रुद्र ऐसा कुछ नहीं करेगा। प्यार करता है वो मुझसे। तुम्हारे उसकी जिंदगी में होने के बावजूद वो मुझसे बहुत प्यार करता है सबरीना। अच्छा, तो फिर उसने तुमसे प्रेगनेंसी रिपोर्ट क्यों छुपाई? नीना, रुद्र तुमसे प्यार नहीं करता है। आखिर तुम चाहती क्या हो सबरीना? मैं तुम्हें बचाना चाहती हूं और अपने आप को भी, और रुद्र की असलियत दुनिया के सामने लाना चाहती हूं। और मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूं सबरीना। नीना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया है, अब कुछ अच्छा करना चाहती हूँ। अगर तुम्हें अपने और अपने बच्चे की जरा सी भी फिक्र है ना, तो भाग जाओ यहाँ से। रुद्र मुझे कभी भी भागने नहीं देगा। तो डिवोर्स दे दो उसे। वो मुझे डिवोर्स भी नहीं देगा सबरीना। मेरे पास एक प्लान है, सुनोगी? बार बार ऑफिस में मुझे क्यों डिस्टर्ब करती हो? ऐसा क्या जरूरी काम था? बोलो भी। मेरी प्रेगनेंसी रिपोर्ट्स मुझसे क्यों छुपाई रुद्र? तो
किसने बताया तुम्हें? मुझसे झूठ क्यों बोला रुद्र? कि रिपोर्ट्स नेगेटिव है? तुम यहां क्या कर रही हो? सब वो मैं सब मेरा रजिस्टर रह गया था। सबरीना, छोड़ूंगा नहीं उसे। किस किस को नहीं छोड़ोगे? सबरीना को, मुझे, इस बच्चे को, किस किस को नहीं छोड़ोगे रुद्र? Calm down, नीना। आराम से। और हाँ, सही कहा तुमने, मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए। और जानती हो क्यों? तुम्हारी वजह से। अपनी हालत देखी है तुमने नीना, शराब, दवाइयां, तुम्हारा दिमाग कमजोर है, तुम बच्चा पैदा करने के लायक ही नहीं हो। मैं इस बात से डर गए रुद्र कि कहीं ये बच्चा तुम जैसा हो गया तो। मुझे डिवोर्स चाहिए और तुम्हें देना पड़ेगा। गिलास बंद करो नीना, प्लीज। जस्ट मेक मी अ ड्रिंक। मैं तुम्हें छोड़ दूंगी रुद्र। क्यों? भागने का प्लान है? तुम्हारे साथ अब एक दिन भी और नहीं रह सकती। कहाँ भागूंगी? नहीं रहना मुझे। तुम जानती हो नीना, मुझसे पीछा छुड़ाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हाँ, कोशिश करनी है ना। कोशिश नहीं तो कर लो। फैसला ले चुकी हूँ। फैसला कर लिया है तुमने जो कभी पूरा नहीं होगा। मैं चली जाऊंगी इस बार, तब तो चलेगा। अकल कर दिया मुझे। नीना, 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 लिसन टू मी, वेक अप, वेक अप नीना, होश में आओ। तुम भूल रही हो कि हमने उसके सामने कसमें खाई हैं, वादा किया है। अब तो हमें सिर्फ वही जुदा कर सकता है। हम जिएंगे भी एक साथ, मरेंगे एक ही साथ, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। और जहां तक तुम्हारी इस नई हमदर्द का सवाल है ना, उसे तो मैं भी देख लेता हूं। दो बार मैंने इसकी कार की ब्रेक फेल कर दी है, अब नहीं बच सकता। वो बच गया तो बिना वो हमें मार देगा। वो तो चलो मेरे साथ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी, अपना पूरा प्यार दे दिया,
मैंने भी उससे बहुत प्यार किया, इतना प्यार किया कि खुद को भूल बैठी। और अभी भी अगर मेरे मन में कोई है तो वो है रुद्र। और उसने हमारे लिए क्या किया मीना? हमने उसे मारा नहीं, अपनी जान बचाई है, इस बच्चे को बचाने के लिए किया। He was not perfect. वो हम पे अत्याचार करता था, पर हमने क्या किया? हमने उसे मार दिया। हमसे प्यार नहीं करता था, वो सिर्फ हम पे अपना हक जताना चाहता था, तुमसे तुम्हारा क्लब चाहता था। हमने उसे मार दिया, हमने उसे मार दिया सबरीना। मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। Let's leave, huh? Kill him! मैम मैं दिलीप राजावत आपके हस्बैंड के केस को पर्सनली हैंडल कर रहा हूं। वैसे मैम, वैसे हमने उनके गाड़ी के आसपास की सारी तलाशी ली है, लेकिन अब तक उनका कुछ पता नहीं चला। वैसे हमारी तलाश अब भी जारी है, लेकिन मुझे आपके हस्बैंड को ढूंढने में आपकी थोड़ी हेल्प चाहिए होगी। मैम आप मुझे ये बता सकते हो कि आपके हस्बैंड के साथ आपकी आखिरी बात क्या हुई थी? उस दिन ना वो बहुत लेट आए थे घर, थोड़े परेशान लग रहे थे, आते ड्रिंक करने लगे, मैंने रोका पर माने नहीं। फिर वो गाड़ी की चाबी लेकर कहीं चले गए। मैंने ड्रिंकिंग की प्रॉब्लम थी, वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करते थे। हमने उन्हें काफी बार मना भी किया, लेकिन वो हमने वी लाइक फैमिली राइट, क्लब का सारा स्टाफ एक फैमिली के जैसे है, सो मैम क्या आपके हस्बैंड और आपके बीच में कोई प्रॉब्लम, आई मीन आप दोनों का रिलेशन तो ठीक था ना? सब ठीक था, मेरी दवा का टाइम हो गया, मुझे दवा चाहिए। सुन मैम क्या ये सारी दवाइयाँ आप ही की है? क्या मैं इसका प्रिस्क्रिप्शन देख सकता हूँ? इंस्पेक्टर एक्चुअली इनके हस्बैंड मिसिंग है ना,
तो ये मेंटली थोड़ा डिस्टर्ब है। अभी इनकी हालत नहीं है कि ये इस तरह के सवाल का जवाब दे पाए, तो फिर ऑन माइंड आप प्लीज ये सब सवाल किसी और दिन पूछ लीजिए। शी रियली नीड्स टू रेस्ट राइट नाउ। यू डोंट वरी मैम, जैसे ही मुझे आपके हस्बैंड के बारे में कुछ पता चल जाएगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ। थैंक यू मैम। मत करना, मुझे मेरे किए की सजा देना। मैंने रोज को जान से मैं क्या करूं, तुम्हारे लिए ठीक नहीं है और ना ही तुम्हारे बच्चे के लिए। मैं कुछ नहीं जानती, मुझे मेरी पिल्स चाहिए, मुझे मेरी पिल्स चाहिए, मुझे अभी पिल्स चाहिए। सुनो मेरी बात, सुनो। तुम जानती हो तुम्हारी पिल्स में क्या है? नशा है, नशा। और उस नशे में आकर अगर तुमने किसी से कुछ भी कह दिया तो हम दोनों खत्म हो जाएंगे नीना। यू हैव टू कंट्रोल योरसेल्फ। अब तुम्हारी जिंदगी सिर्फ तुम्हारी जिंदगी नहीं है, तुम्हारे बच्चे की भी है और अब मेरी जिंदगी भी तुम्हारी जिंदगी से जुड़ चुकी है। अगर किसी को पता चल गया नीना कि हमने किया है तो हम बर्बाद हो जाएंगे। हमें बर्बाद हो जाना चाहिए सबरीना, हमें बर्बाद हो जाना चाहिए। हमने किसी की जान ली है नीना, मारा है नीना। किसी को। अगर हम उसे नहीं मारते तो वो हमें मार देता, समझ रहे हो तुम?
मैं अभी पुलिस के पास जाके सब कन्फेस कर लूंगी। मीरा तुम ऐसा कुछ नहीं करो। मीरा तुम कहीं नहीं जाओ। मीरा तुम पागल हो गई हो। मीरा क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया तुम्हें? अब जब सब कुछ ठीक जा रहा है तो सडनली कन्फेशन क्यों? क्योंकि वो मरा नहीं है सबरीना। वापस आएगा, हमारे लिए वापस आएगा, और तुम देखना वो हमारी जिंदगी पहले से भी बदतर कर देगा। तुम भी मेरे साथ पुलिस के पास चलो। पुलिस इंस्पेक्टर मेरा स्टूडेंट है, वो हमें बचाने का। सबरीना तुम चलो। मीना दिमाग खराब हो चुका है तुम्हारा। हम दोनों ने अपने हाथों से संभाला है, भूल गई हो क्या? अरे वो मरा नहीं है सबरीना, मैं कह रही हूँ ना तुमसे, पूल पे गई थी, उसकी बॉडी नहीं थी वहाँ। वो मरा नहीं है, वो मरा नहीं है, नहीं नहीं है। मीना चुप करो, ये बताने में तुम्हें आई हूँ। मुझे पुलिस स्टेशन से फोन आया है, उन्हें रुद्र की बॉडी मिल चुकी है और वो चाहते हैं कि तुम अभी जाके बॉडी आइडेंटिफाई करो। सो प्लीज गेट योर सेल्फ टुगेदर एंड कम टू द मॉर्गु विद मी राइट नाउ। हमें इसकी सजा मिलेगी, इसकी सजा मिलेगी। नीना जिस कम, बहुत बड़ी नीना कम, चलो बहुत बड़ी नीना चलो। I'm sorry आप लोगों को यहाँ बुलाना पड़ा, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो करना बहुत जरूरी है। एक्चुअली हमें एक बॉडी मिली है जो आपके हस्बैंड की बॉडी से मिलती है। मैम क्या ये आपके हस्बैंड है? इंस्पेक्टर इस सब की क्या जरूरत है? प्रोसीजर है मैम। नीना मैम, क्लब के एक स्टाफ ने बताया कि गायब होने वाली रात को उन्होंने आपके हस्बैंड को आपके घर की ओर जाते हुए देखा। तो क्या वो आए थे या नहीं? आए थे? नहीं नहीं नहीं, नहीं आए थे वो। अरे इंस्पेक्टर आप ये कैसे सवाल पूछ रहे हैं? आप इनकी हालत देखिए, इनकी तबीयत खराब है, ऊपर से ये प्रेग्नेंट है, इनके हस्बैंड डिसअपीयर हो चुके हैं। एक मिनट मैम, आप प्रेग्नेंट हो? आपके हस्बैंड को इस प्रेगनेंसी से कोई परेशानी थी? ये किस तरह का सवाल है? ऐसा कौन सा हस्बैंड है जो खुश नहीं होगा ये जानकर कि वो बाप बनने वाला है? इंस्पेक्टर डोंट माइंड बट आई थिंक आपको अपना काम करना चाहिए, आपको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। आई थिंक आप रुद्र को जाके ढूंढिए। वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि इसे बेड रेस्ट की जरूरत है, सो इफ यू डोंट माइंड आई थिंक यू शुड लेट अस गो। एक मिनट मैम। नीना मैम, मुझे आपके घर को वापस इन्वेस्टिगेट करना होगा, कब आ सकता हूं मैं? जब आपको ठीक लगे। August 20th, दवाइयों के बिना रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है, पर सबरीना कहती है कि डॉक्टर्स ने मुझे दवाइयां लेने से मना किया। मेरे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे पूरा यकीन है कि रुद्र जिंदा है, मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। हर तरफ नजर आता है वो, मुझे ऐसा लगता है जैसे सब मेरे साथ मजाक कर रहे।
चाहती हूँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। सबरीना और मैंने मिलकर पुत्र को जान से मार दिया, मुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैम एक्चुअली मैंने दरवाजे पे बहुत नॉक किया लेकिन किसी ने दरवाजा खोला ही नहीं, इसलिए मैं डर गया था कि कहीं किसी ने आपको कुछ। मेरी ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम बाद में आ सकते हो? मैम आपको हो क्या गया है? मैं यहाँ आपकी मदद करने आया हूँ। और मेरी ना दवाई खत्म हो गई है, मैं ना मैम आई होप आप मुझसे कोई बात छुपा नहीं रहे। आई मीन स्टार्टिंग से ही आप मेरे लिए काफी स्पेशल हो, तो अभी भी ऐसी कोई बात है जो आप मुझे बताना चाहती है तो प्लीज बता दीजिए, मैं आपकी मदद करने आया हूँ और आप ही की मदद करूंगा। यू कैन ट्रस्ट मी। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रुद्र मरा नहीं है। मैम लेकिन आपने ये कैसे अज्यूम कर लिया कि वो मर चुके हैं? आप कुछ छुपा रही हैं मुझसे? मैं सब कुछ बता देना चाहती हूँ। दरअसल मैं नीना तुम्हारी दवाई लाई हूँ, चलो जल्दी जल्दी। ओह हाय इंस्पेक्टर, आप यहाँ? आई मीन आप तो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं राइट? तो बाहर जाइए, रुद्र को ढूंढिए। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने बता रही थी कि वो इंस्पेक्टर क्या है ना कि इनकी कोई हालत नहीं है कि किसी से बात कर पाए, इसे अजीब अजीब से सपने आ रहे हैं, इसे लग रहा है जैसे रुद्र मर चुका है, ये अपने होश पूरी तरह से खो चुकी है। डॉक्टर ने दवाई दी है, इफ यू डोंट माइंड कुड यू प्लीज एक्सक्यूज अस। दिलीप मैं वो ये खराब हो गया, इसमें मेरी सारी दिल की बातें, तुम इसे ठीक करवा दोगे? मैं ठीक करा देती हूँ। आप इनका ध्यान रखिए, वैसे भी मेरा दोस्त कंप्यूटर इंजीनियर है तो वो इसे ठीक कर देगा। यू टेक केयर मैम। कहीं तुम्हें इस इंस्पेक्टर से प्यार तो नहीं हो गया? मैंने जिंदगी में एक ही बार प्यार किया है सबरीना, तुम्हारी तरह नहीं। तुम इसे क्या कहने वाली थी? यही कि तुमने मुझे कन्विंस किया पुत्र को मारने के लिए, कि अब भी मेरे इन हाथों पे मुझे रुद्र का खून दिखाई देता, दिन में 100 बार अपने हाथ धोती हूं फिर भी नहीं निकलता। बी केयरफुल, तुम अपने होश खो चुकी हो और मैं तुम्हारी वजह से जेल नहीं जाने वाली, तो अपना ये मुंह समझी। तुमसे डर नहीं लगता सबरीना, ना पुलिस से लगता है। सजा तो मुझे वो देगा और तुम्हें भी। सर आई एम नॉट कन्विंस्ड। मिस्टर रजावत ये एक मिसिंग पर्सन केस है और मैं नहीं समझता हूँ कि इसमें ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है। सर इस केस में कुछ गड़बड़ है, मुझे लग रहा है कि मिसेज नीना सिंह मुझे कुछ बताना चाहती है लेकिन किसी डर से बता नहीं पा रही है। सो मिसेस सिंह का पर्सनल कंप्यूटर हमारे हाथ लगा है तो मैं बस पासवर्ड ट्रैक करने जा ही रहा हूँ। मिस्टर रजावत आपकी शादी हुई? नहीं सर। इसलिए आप नहीं समझेंगे,
हर शादीशुदा आदमी को अपने पत्नी से कुछ दिनों के लिए छुट्टी की जरूरत होती है। मिस्टर सिंह वापस आ जाएंगे। सजावट आप अपना और मेरा कीमती वक्त बर्बाद ना करें और कोई दूसरा केस हैंडल करें प्लीज। नीना, नीना, मैं हूं रुद्र। हमारा सपना पूरा हो ही गया। हमारा प्लान एकदम सही था। मरने में कितना टाइम लगा है इसने। मुझे तो लगा ऐसे हार्ट अटैक ही होगा। लेकिन मुझे पूरा यकीन था। लेकिन अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। हो गया। ना चहकने की जरूरत नहीं। अभी भी काम बाकी है। ध्यान से सुनो, कल से पुलिस इन्वेस्टिगेशन होगी। पोस्टमार्टम में साबित हो जाएगा कि इसकी मौत नेचुरल कॉजेस से हुई है, हार्ट अटैक से। 3 दिन बाद मैं वापस आऊंगा और एक फुल प्रूफ एलिबाई के साथ एक कहानी सुना दूंगा। बस हमें यहाँ की मौजूदगी के सारे सुराग मिटा देने हैं। तुम ऊपर जाओ, वो आके कमरे साफ करो। मैं इस कमरे को ठीक करता हूँ। रीना, ग्लव्स। सॉरी। योग्यतम की उत्तर जीविता, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जंगल के नियम आसान हैं नीना, वहां पर दिमाग और शरीर से कमजोर को कुदरत खुद ब खुद खत्म कर देती है, लेकिन हम सभ्यता का ढोंग रचने वाले कमजोर को बचाने के लिए जी जान से ताकत करते हैं। जिस तरह एक बीमार मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह तुम्हारी कमजोरियों का जहर सिर्फ हमारे परिवार को ही नहीं बल्कि सारे समाज को दूषित कर देता। और देखो ना नीना, तुम्हारी मौत का कारण भी तुम्हारी कमजोरियां ही बन गई। जिन्हें जीना नहीं आता उन्हें तो मर ही जाना चाहिए। दिलीप, मैंने पासवर्ड तो क्रैक कर लिया है, लेकिन इसमें तो मुझे कुछ पर्सनल वीडियोस ही नजर आ रहे हैं। प्ले कर। मुझे पूरा यकीन है कि रुद्र जिंदा है। मैं उसकी मौजूदगी महसूस कर सकती हूँ। इधर कोई है? सुमन,
पुत्र प्रताप। ओ रुद्र, I'm so happy। पानी तुम और मैं एक दूसरे के साथ में, और अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता। मैं तुम्हें बता भी नहीं सकती मैंने इस दिन का। मिस सबरीना, आप बोलती बहुत है। मेरा दिल उतना भी कमजोर नहीं है रुद्र जितना तुम समझते हो। अच्छा ही तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे, अब एक साथ नर्क जाना। लिसन टू मी नीना, तुम्हें क्या चाहिए था? प्यार, फैमिली, मैं, रुद्र, करेक्ट? ये सबरीना हम दोनों के बीच थी, तुमने इसे मार दिया है, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। नीना आगे मत आओ पुत्र। नीना, you know I love you। आगे मत आओ पुत्र। तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पुत्र गांडा। आगे मत आओ। कमाल कर दिया नीना, सुपर परफॉर्मेंस। दिलीप, ये क्या किया? इसने तुम्हें इस चाकू से मारने की कोशिश की, तभी मैं जो अपना रूटीन इन्वेस्टिगेशन करने के लिए यहां पहुंचा, तुम्हें बचाने के लिए इसे गोली मार दी। सिंपल, सैड एंड ऑफ स्टोरी। जो झूठ का अंजाम हद से खूबसूरत हो, वो झूठ सच से भी बड़ा होता है। तुमसे नहीं मिली होती तो शायद आज मैं सच में मर चुकी होती। तो चले। रुद्र की गलती थी कि उसने मुझे कमजोर और मासूम समझा। उसे लगता था कि वो बड़ी आसानी से मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा कर सकता है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि मैंने तो उसी दिन उसे खत्म करने की ठान ली थी जिस दिन मुझे उसके और सबरीना के बारे में पता चला था। बेवफाई बेवजह नहीं होती। तो क्या हुआ अगर मैंने अपने पति और उसकी माशूका को मारने के लिए अपने आशिक का साथ मांगा? प्यार और जंग में सब कुछ जायज है।